नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। सिटी 60 खबरों का रुख करेंगे लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। तो राजस्थान में लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो आज फिर से कोरोना के मामले बढ़े हैं। आज 18 नए कोरोना संक्रमित जयपुर में दर्ज हुए हैं। तो बड़ी खबर देख रहे हैं आप और कोरोना का अपडेट। लगातार राजस्थान में कोरोना पैर पसारता जा रहा है और आपको बता दें कि आज फिर से राजधानी जयपुर में कोरोना के केस बढ़े हैं। आज 18 नए कोरोना संक्रमित राजधानी जयपुर में दर्ज हुए हैं। और आशुतोष शर्मा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, क्या अपडेट कोरोना को लेकर? देखिए, राजधानी जयपुर की बात की जाए तो आज संख्या बढ़ी है। 18 जो नए संक्रमित हैं वो दर्ज किए गए हैं और ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन की बात है कि जहां कुछ दिन पहले की बात करें 2 से 3 केसेस सामने निकल के आ रहे थे, लेकिन अब ये केसेस लगातार बढ़ने लगे हैं। हालांकि इस बीच जो सैंपलिंग की संख्या है वो बढ़ाई गई है, लेकिन उससे एक बात साफ होती है कि संक्रमण अभी भी मौजूद है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जो तमाम लोग संक्रमित आ रहे हैं इनमें से तकरीबन 90% ऐसे लोग हैं जिनके वैक्सीन की दोनों डोज लग सकी है। लेकिन मेडिकल एस्पेक्ट से देखें तो राहत की बात यह है कि ये तमाम लोग सामान्य लक्षणों के साथ में इनको कोविड पाया गया है और किसी न किसी की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री या ट्रेवल हिस्ट्री इनकी पाई गई जिसके बाद में ये लोग संक्रमित हुए हैं। इसके बाद में इन तमाम लोगों का जो ज्यादातर जो लोग हैं इनमें से तकरीबन 80-90% लोग जो है होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं, ये एक बड़ी राहत की बात कही जा सकती है। लेकिन संक्रमण अभी भी राजधानी जयपुर में है और अलर्ट रहने की जरूरत है। सीएम अशोक गहलोत ने भी जो आपसे कुछ देर पहले समीक्षा बैठक की है उसमें इस बात के संकेत दिए हैं कि राजस्थान में आने वाले दिनों में किस तरीके से सख्ती हो सकती है। नाइट कर्फ्यू जिसको लेकर एक ढीला रवैया अपनाया गया था, एक बार फिर से उसको लेकर सख्ती देखने को मिलेगी। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आशुतोष तमाम जानकारी देने के लिए।